हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सांग सुन क्राउड वांस गेम। सो आपने बहुत से लोगों को एलॉय व्हील्स लगाते हुए तो देखा होगा, और शायद आपको ये भी पता होगा कि एलॉय व्हील्स कितनी ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, खासकर वो वाली जो कि ब्रांडेड है। और अगर आप ब्रांड न्यू खरीदने जाएंगे तो भाई साहब बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जा रहा है। अगर आप यूज खरीदने जाएंगे तो शायद थोड़ा सा कम पैसों में हो सकता है, लेकिन यूज चीजें ज्यादा समय तक लस्ती नहीं कर पाता है। सो इसे यूज चीजें कार में लगाने का कोई मतलब नहीं होता है। सो इसीलिए आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसी टेक्निक बताने वाला हूँ जिसकी मदद से आप इस तरह के जो नॉर्मल जो व्हील कैप्स आते हैं, जो कि ऑलमोस्ट सभी कार्स में आते हैं, जो कि बेस मॉडल होती है, मिड वेरिएंट होती है, सब में इस तरह के व्हील कैप्स आप लोगों को देखने को मिलता है, उन्हीं व्हील कैप्स को आप एलॉय व्हील्स की तरह लुक कैसे दे सकते हैं। वीडियो एंड तक देखिए, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है कि ये जो व्हील कैप है, इसमें ये जो शाइनी जो सरफेस है, इसे आप लोग सबसे पहले गायब कर लेना है। इसे गायब करने के लिए आप सैंड पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं, थोड़ा सा रबिंग कीजिए जिससे कि ये जो शाइनी जो सरफेस है ये गायब हो जाए और इसमें एक मैट टाइप का एक लुक आ जाए। क्योंकि अगर आप इस तरह से शाइनी सरफेस के ऊपर ही अगर इसे आप रीपेंट करेंगे तो इसे प्रॉब्लम क्या होगा कि बाद में पेंट का निकल जाने का सर्च रहता है। सो इसे पूरी तरह से रब करके इसकी जो शाइनी सरफेस है उसे गायब करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। और फिर उसके बाद आप लोगों को जो ये व्हील कैप है इसे ब्लैक कलर में रीपेंट करना है। तो इसे रीपेंट करने के लिए आप स्प्रे कैन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि कॉस्ट इफेक्टिव है, आप घर में ही कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक प्रोफेशनल लुक चाहते हैं और बिल्कुल एक जेन्युइन टाइप का लुक चाहते हैं तो आप किसी लोकल वर्कशॉप से भी ये काम करवा सकते हैं, ज़्यादा पैसा नहीं लेंगे क्योंकि वैसे भी चार व्हील कैप ही होते हैं और बस एक दो कोट से ही आई थिंक पूरा व्हील कैप ब्लैक हो जाएगा। सो इसीलिए इसमें ज़्यादा पैसा खर्च नहीं होगा, आप किसी अपनी नज़दीकी दुकान से भी ये चीज़ करवा सकते हैं या फिर किसी लोकल वर्कशॉप से भी ये चीज़ करवा सकते हैं। जैसे कि मैंने किया था, मैंने अपने ही एक पास की दुकान से व्हील कैप्स को ब्लैक करवाया था, यानी ये वाले नहीं, मेरे दूसरे वाले व्हील कैप्स को ब्लैक करवाया था। सो इसलिए आप वो टेक्निक कर सकते हैं। तो ब्लैक करने के बाद आपको क्या करना है, इससे कि तो क्रोम बीट होते हैं, मैं आपको थोड़ा सा दिखा देना चाहूँगा। सो ये वो क्रोम बीट है जिसकी मैं बात कर रहा था। तो इससे कि तो क्रोम बीट होते हैं, आप लोगों को क्या करना है कि उसे कुछ इस तरह से इसके ऊपर फिट कर देना है कुछ इस तरह से, एक यहाँ पर और फिर एक यहाँ पर। ये बात ध्यान रखना है कि इसके जो मेजरमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट हो, यहाँ से आप लोगों को यहाँ तक करना है। ये एक छोटी सी पीस है जो कि मैंने बस ऐसे ही आप लोगों को ऐसे ही बस दिखा दिया है, लेकिन आप लोगों को एक बड़ी पीस लेना है, इसे एकदम यहाँ तक लगभग फिट करना है। सो ऐसे आप लोगों को सभी कॉर्नर में फिट करना है, क्योंकि इससे जो व्हील कैप का जो मतलब जो डिज़ाइन होगा उनमें बिल्कुल एक एलॉय टाइप का लुक आएगा। फिलहाल जो ये जो व्हील कैप है ये सिल्वर कलर है, उसकी वजह से ये चीज़ अच्छी तरह से नजर नहीं आ रहा है, लेकिन जब आप ब्लैक के ऊपर करेंगे तो बहुत बढ़िया लुक आएगा। इवन ये चीज़ तो मैंने अपने कार में ऑलरेडी कर दिया है, ये तो वीडियो मैं आप लोग को बाद में बनाकर दिखा रहा हूँ। सो इसलिए आपको कुछ यहाँ पर एक ऐसे लगाना है, यहाँ पर एक ऐसे लगाना है, फिर यहाँ पर और ऐसे ही, तो यहाँ पर जितनी स्पोक्स है। सो एक चीज़ मैं आपको पहले बता देना चाहूँगा, सब व्हील कैप्स की डिज़ाइन सेम नहीं होता है। ये ऑटो 800 की जो अभी तो फिलहाल करंट जनरेशन मॉडल है उसका व्हील कैप है। सो इसलिए ये चीज़ सिर्फ इस वाले व्हील कैप के साथ ही अप्लाई होगा। अगर आपका कोई दूसरे डिज़ाइन के व्हील कैप है तो आपको उस वाली डिज़ाइन के हिसाब से क्रोम बीट फिट करना है, लेकिन फिट करने की जो टेक्निक होता है वो सेम होता है, क्योंकि व्हील कैप्स की क्वालिटी सेम होता है और जो मटेरियल होता है वो भी सेम होता है। सो इसीलिए फिट करने की टेक्निक सेम है, बस डिज़ाइन अलग होने से आप लोगों को अलग अलग स्टाइल में से फिट करना होगा। ये मत सोचिए कि इसी स्टाइल में सब व्हील कैप्स में ये चीज़ फिट हो जाएगा, ये डिज़ाइन मैं सिर्फ ऑल्टो 800 के लिए बोल रहा हूँ। तो कुछ इस तरह से आप लोगों को फिट करना है, ऐसे ऐसे और ऐसे, और मैंने बाकी व्हील कैप्स में ऑलरेडी ये चीज़ करके रखा है। तो इसलिए फिलहाल मैं आप लोगों को वो चीज़ ही दिखा देना चाहूँगा, ठीक है। आप लोग ये देख सकते हैं इन सारी चीज़ों को फिट करने के बाद व्हील कैप्स का लुक कैसा आया। फाइट साहब जरा देखिए तो कितनी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। मुझे मैंने आप लोग बिल्कुल इसी स्टाइल में ही रिम्स को फिट करने के लिए कहा था, यानी कि ट्रिम्स को फिट करने के लिए कहा था। तो वो वाला व्हील कैप देखिए और ये वाला देखिए, इवन ऐसा लग भी नहीं रहा है कि ये वाला भी कभी वैसा ही हुआ करता था। वो वाला कितनी सिंपल है और देखने से ही पता चल रहा है कि वो व्हील कैप है, जबकि ये वाली अगर आप देखेंगे तो ये बिल्कुल एलॉय जैसी ही लग रहा है। अगर आप इसे थोड़ा सा दूर से देखेंगे तो देखिए, कोई भी नहीं कह सकता कि ये चीज़ व्हील कैप है। और अगर आपके अंदर की जो रिम है, क्योंकि यहाँ से इन कॉर्नर से रिम्स नज़र आ जा रहा है, अगर वो रिम ब्लैक कलर की होगा तो इससे जो इसकी जो फिनिशिंग होगा वो और ज़्यादा बेटर होगा। सो ये चीज़ मैंने अपनी मारुति 800 के लिए रेडी किया है, और क्योंकि मैंने अपनी मारुति 800 के रिम्स को बस रिसेंटली ब्लैक कलर में ऑलरेडी रीपेंट करवा लिया था। सो इसके वजह से जो व्हील्स का जो पूरा लुक है वो बिल्कुल असली अलॉय जैसे ही लग रहा है। सो मैंने बाकी तीन व्हील कैप्स ऑलरेडी कार में फिट कर दिया है, ये वाला तो मैंने बस आप लोगों को वीडियो में दिखाने के लिए खोल के रखा था। सो इसीलिए फटाफट से आप लोग, मैं आपको कार ही चेकआउट करा देता हूँ ताकि आप लोग ये देख सके कि ये व्हील कैप कार में फिट करने के बाद कार का लुक कैसा आया। भाई साहब जब देखिए तो कितना ज़्यादा बढ़िया दिख रहा है। अगर आप इसे अच्छे से देखेंगे तो ये कैसे लग नहीं रहा है कि एक्चुअली में व्हील कैप्स है, ऐसा लग रहा है कि मानो ये सचमुच एलॉय व्हील्स ही है। और सबसे कमाल की बात ये है कि ये जो चीज़ है ये चीज़ परमानेंट है, ये चीज़ कभी भी खराब नहीं होने वाला। जब तक इन क्रोम बीट का जो डबल साइड टेप है उसका गम रहेगा तब तक ये चीज़ ऐसे ही रहने वाला है।
और एक और दूसरी चीज़ जो कि मैं आप लोगों को बताना भूल गया था और वो चीज़ ये कि वेल इन क्रोम बीट में ओरिजिनल जो डबल साइड टेप जो आता है, इनकी जो बोथ साइड टेप जो ओरिजिनल फिट होकर आता है, अगर आप उसे निकाल के उसकी जगह में जो 3M की जो ओरिजिनल डबल साइड टेप है जो कि आप लोगों को कार एक्सेसरी शॉप में आई थिंक मिल जाएगा, तो अगर आप उसे लगा देंगे तो इसकी जो लाइफ जो स्पेन होता है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि क्रोम बीट में ओरिजिनल जो बोथ साइड टेप जो ओरिजिनल जो फिट होकर आता है उसका गम थोड़ा सा कमज़ोर होता है जो कि कुछ समय बाद निकल जाता है। ये सी मैं अपने खुद पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। सो इसलिए मैं हमेशा इन क्रोम बीट में से ओरिजिनल टेप को निकाल देता हूँ और उसके जगह में जो 3M की जो ओरिजिनल टेप है उसे फिट कर देता हूँ, क्योंकि इससे जो इसकी जो क्वालिटी है वो और ज़्यादा बेटर हो जाता है और ये ज़्यादा समय तक टिक पाता है। सो इसलिए अगर आप भी ये चीज़ करेंगे तो इसकी जो लाइफ स्पेन होगा ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ये काफ़ी सालों तक ऐसे ही रहेंगे और वही सबसे कमाल की बात है। और जो अंदर की जो रिम है, अगर इस तरह से मैंने अपने कार में जैसे इस रिम को ब्लैक कलर में रिपेंट कर दिया था, वैसे अगर आप भी अपने रिम को ब्लैक कलर में रिपेंट करेंगे जिससे इसकी जो फिनिशिंग होगा वो और ज़्यादा बेटर आएंगे। वैसे भी आजकल के कार्स में तो ये चीज़ ओरिजिनल ही ब्लैक आता है, लेकिन ऐसे मॉडल 800 जैसे पुराने कार्स में ज़्यादातर ये रिम्स वेल सिल्वर कलर में आता था। सो इसलिए अगर आप इसे रिपेंट करवा लेंगे ब्लैक कलर में तो इससे इसकी जो लुक का और ज़्यादा बेटर हो जाएगा। और साथ में काफ़ी लोगों ने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि मैंने अपनी कार में कुछ और नई चीज़ें भी ऐड किया था, जैसे कि ये बॉडी कलर साइड मिरर्स, बॉडी कलर डोर हैंडल्स, मैंने स्पॉइलर को भी एक्चुअली में बॉडी कलर में रीपेंट करवा लिया था, और साथ में ये जो टॉप की जो ये जो सनरूफ है और साथ में इसकी जो फ्रंट ग्रिल है मैंने फ्रंट ग्रिल को भी थोड़ा सा कस्टमाइज किया है, और साथ में हेडलाइट्स और जो टेल लाइट्स है उन्हें भी थोड़ी बहुत मैंने ब्लैक आउट टिंटिंग किया था। सो इन सब चीज़ों के ऊपर भी मैं सेपरेट वीडियोस बनाने की सोच रहा हूँ कि मैंने इन सब चीज़ों को एक्चुअली में कैसे किया था और कार को एक्चुअली में ऐसा कैसे बनाया। सो मैं कार के ऊपर और कुछ समय में एक फुल डिटेल वीडियो बनाने की सोच रहा हूँ, जो कि हो सकता है और कुछ समय बाद आएगा, क्योंकि कार में यू नो मॉडिफिकेशन का काम पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है। यहाँ पर पीछे की ये जो डिक्की का जो लॉक मिसिंग है, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कहाँ गया, सो ये भी अभी के लिए एक सीक्रेट है। इसके साथ क्या होने वाला है वो चीज़ आप लोग को बाद में पता चल जाएगा। मैंने इसे फिलहाल खोल के रखा है, लेकिन क्यों खोल के रखा है वो चीज़ भी आप लोग को बाद में पता चल जाएगा। तो चले गए आज के इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी मेरी एक और नई वीडियो में जिसमें मैं आपको कार के बाकी के फीचर्स के बारे में अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। लेकिन अगर आपको आज का ये वीडियो समय पसंद आया तो डोंट फॉरगेट टू लाइक कॉमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो क्लिक द बेल आइकन सो यू विल गेट नोटिफिकेशन ऑफ एवरी न्यू वीडियो। And thank you very much for watching my video. Have a great day.